वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ केरला का ट्रेडिशनल हेयर ऑयल, जो आपने देखी होंगी कि केरला की जो लड़कियां होती हैं उनके बाल बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम होते हैं, थिक होते हैं, मोटे लंबे होते हैं, तो आप इस तरह से अपने बाल भी कर सकते हैं अगर आप ये हेयर ऑयल यूज करेंगे। लेकिन उनके जो हेयर ऑयल होते हैं ना वो 30 हर्ब्स मिक्स करके बनाते हैं, लेकिन हम इतने हर्ब्स तो यहाँ ढूंढ के नहीं ला सकते। जो जितने भी मैंने बनाए उसमें बहुत अच्छा काम करने वाला है, आपको भी ये रेमेडी अवेलेबल हो जाएगी जहां भी आप रहते हो। और इस हेयर ऑयल को किस तरह से बनाना है, आपको दो स्टेप में बनाना है ये हेयर ऑयल, और थोड़ी तो मेहनत लगेगी लेकिन एक बार मेहनत करेंगे ना ये लंबा आपका चलने वाला है। सो इस हेयर ऑयल को आप डेफिनेटली बनाएं। और इसमें मैं आपको थोड़ी सी चीजें आपको बता देती हूँ। इसमें आपको दिख रहा होगा कि मैंने मेथी और कलौंजी इसमें डाला हुआ है, जिसे हम काला जीरा भी बोलते हैं। तो इसको आपको फेंकना नहीं, ये इसी के अंदर ऐसा रहेगा, जब आपका ऑयल खत्म हो जाएगा इतना हो जाएगा ना, फिर आप इसमें सेसमी ऑयल जो तिल का तेल होता है उसको आप ऐड करके फिर से आप धूप में रखिए तो वो इन्फ्यूज हो जाएगा ऑयल के साथ, फिर से आपको वही बेनिफिट देगा अगर बार बार बनाने को आपको टाइम नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। और आपको मैं आगे बताऊंगी कि किस तरह से आपको इस हेयर ऑयल को यूज करना है। और सबसे मजे की बात आपको मैं ये बता दूं कि ये भी देखा बाहर जाके कि मेरे बाल जो थोड़े बर्गंडी हेयर कलर लग रहे हैं। सो आपके आप जैसे जैसे इसको यूज करते जाएंगे तो आपके बालों के कलर होते जाएंगे। और अगर आपने अपने बाल को केमिकली ट्रीट किया है, यानी कि कलर किया है, बालों को स्ट्रेट किया है, या फिर आपके डैमेज बाल है, फ्रिजी हेयर है, हेयर फॉल हो रही है आपके बालों की आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये बहुत अच्छा काम करेगा हेयर ऑयल। देख सकते हैं इसका कलर, और इसको कैसे यूज करना, क्या करना, ये आपको एंड में दिख जाएगा कि कैसे इसको यूज करना है। लेकिन आपको ना ये वीडियो पूरा अच्छे तरीके से ध्यान से देखना है, वरना थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, वरना आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा और ऑयल के सारे बेनिफिट चले जाएंगे। इतनी मेहनत करेंगे और काम ही ना करें ऑयल तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि छोटी छोटी चीजें जो है वो समझ में आए आपको, थोड़ा सा भी स्किप करेंगे तो फिर समझ में कुछ नहीं आने वाला। तो चलिए हम कैसे इसको बनाना है फटाफट से शुरू करते हैं। तो आपको स्टेप वन में लेना है मेथी और कलौंजी लेना है, यानी कि काला जीरा भी आप बोल सकते हैं, किसी किसी जगह में काला जीरा बोलते हैं। इन दोनों को आपको लेना है और इस तरह के कांच के बोतल में आपको डालना है। प्लास्टिक का बोतल आपको यूज़ नहीं करना है ऑयल स्टोर करने के लिए, कांच का बोतल ही आप हमेशा से यूज़ करें। ये मार्केट से मैं 10-10 रुपए के ले आई थी, ये 10 रुपए का ना काफ़ी होता है, आपको ज़्यादा खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है। और मैंने इसमें डाल लिया है। अब मैं इस कप के मेजरमेंट में लूँगी कैस्टर ऑयल, ठीक है। तो कैस्टर ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ कैरलिन का, कैस्टर ऑयल कैरलिन कोर का। आपको कैस्टर ऑयल ऑनलाइन देख लीजिए, कैस्टर ऑयल स्किप नहीं करना है, आपको यूज़ करना है कैस्टर ऑयल, वही जो है हमारे हेयर का ग्रोथ का काम करेगा। तो इस तरह से आपको इसको ऐड करना है, और इसको ऐड करने के बाद आपको धूप में 7 दिन तक रखना है ताकि इन्फ्यूज्ड हो जाए मेथी के जो बेनिफिट्स है सारा कुछ आपके ऑयल में आ जाए। 7 दिन तक आपको इस तरह से रखना है। मेजरमेंट ये है कि अगर आपने कोकोनट ऑयल और सेसमी ऑयल 100-100 ml लिया है तो 50 ml आपको लेना है कैस्टर ऑयल, उसका हाफ लेना है। और अब हम चलते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ। तो सेकेंड स्टेप में आपको लेना है अनियन, एक बड़ा सा अनियन आपको लेना है, ये बहुत अच्छा काम करेगा आपके बालों की ग्रोथ के लिए। सो आप अनियन एक बड़ा सा ऐड कर लें, देख सकते हैं इस तरह पीसेस में मैंने इसको इस तरह पीसेस में काट लिया है। आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा काम करता है अगर आपके हेयर फॉल ज़्यादा हो रहे हैं। उसके बाद आपको लेना है इसमें अदरक, अदरक भी बहुत अच्छा काम करता है अगर आपके बाल जो हैं वो टूट रहे हों, स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम हो, तो अदरक को आप डेफिनेटली यूज़ करिए। अदरक का जूस भी आप ऐसे बना के लगा सकते हैं। एलोवेरा आपको ऐड करना है इस तरह पतले पतले पीसेस में आपको काट लेना है, शाइन देगा आपका एलोवेरा और आपके सिल्की स्मूथ बनाएगा आपके जो एलोवेरा है आपके बालों को। लेमन आपको ऐड करना है, नुपुर हेना आपको ऐड करना है, हेना जो है वो आपके कलर भी करेगा आपके बालों को अगर आप लगा के रखेंगे। एक बार में मैंने लगा के देखा, धूप में जाके देखा तो फिर मेरे बाल जो है वो बर्गंडी हेयर कलर लग रहे हैं, मैंने नोटिस ही नहीं किया था, जब अभी जाके नोटिस किया तो हेयर कलर जो मेरे बाल दिख रहे हैं। और करी लीव्स आपको लेना है, करी लीव्स को अवॉइड नहीं करना है, करी लीव्स बहुत अच्छा काम करता है बालों के लिए। और नुपुर मेहंदी जो है वो ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर सकते या फिर नहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, कलर चाहता है तो आपके बालों के लिए तो फिर आप नुपुर हेना ऐड करें। और आपको 2 बड़े-बड़े लेमन लेने की जरूरत होगी, सिर्फ आपको जूस इसका निकाल लेना है, ठीक है। तो इन सारे इंग्रेडिएंट को हम मिक्स कर देंगे, ग्राइंड करेंगे और ब्लेंड कर लेंगे, ठीक है। तो करी लीव्स को अच्छे तरह से साफ कर लीजिए, लेमन जूस आप उसमें ऐड कर लीजिए, अनियन उसमें ऐड करिए और एलोवेरा ऐसे ही आप ऐड कर दीजिए।
ठीक है। और जो मैंने उसमें आपको दिखाया है, जो नुपुर हेना, नुपुर हेना भी आप इसमें ऐड कर लीजिए और पानी डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, ठीक है। जब ये ग्राइंड करेंगे ना, फाइन पेस्ट इस तरह से बन जाएगा। पानी डाल के इसको अच्छे से आप ग्राइंड करिए और इस तरह से आपको फाइन पेस्ट दिखेगा। नुपुर मेहंदी भी ना आपको इसी में ही ऐड कर लेना है, ताकि आपके बालों के साथ जो उस इंग्रेडिएंट के साथ, सॉरी बालों के साथ नहीं, इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स हो जाए, ठीक है। अब हम चलते हैं ऑयल की तरफ। ऑयल जो है आपको लेना है सेसमी ऑयल और कोकोनट ऑयल, दोनों ऑयल लेना आपको बहुत ज़रूरी है। और एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं तो फिर एलमंड ऑयल भी आप ऐड कर सकते हैं, विटामिन ई के ऑयल भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑयल लेना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं करना है। तो अब आपको ऑयल डाल लेना है एक पैन पर, फ्लेम को जो है बिल्कुल लो कर देना है, बिल्कुल आपको फ्लेम अभी ऑन नहीं करना है। सबसे पहले आप इस जूस को डाल दीजिए ऑयल के अंदर, और डालने के बाद आपको इसको मिक्स बिल्कुल नहीं करना है। देख रहे हैं ना, नीचे बिल्कुल जूस है और ऊपर ऑयल है। हमको ऑयल को हीट नहीं करना है, उस जूस को हीट करना है, ठीक है। जूस हीट होगा तो पानी जो इवेपोरेट हो जाएगा और उसका जो इन बेनिफिट्स है आपके ऑयल में आ जाएगा। अब मैंने क्या किया है ना, फ्लेम को ऑन कर लिया, ऑन करके उसको बिल्कुल लो फ्लेम में कर लिया। ध्यान से सुनिए आप ये किस तरह से बनाना है, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो फिर ये ऑयल आपका काम बिल्कुल भी नहीं करेगा, बेनिफिट्स सारे चले जाएंगे, कुछ काम नहीं करेगा, आप इतना मेहनत करेंगे। तो अब जो है फ्लेम को लो करना है, 15-20 मिनट में आप देख सकते हैं इस तरह से बॉयल हो रहा है। ये ऑयल बॉयल नहीं हो रहा है, ये जो मैंने जो लिक्विड डाला हुआ है वो बॉयल हो रहा है, और इसको पूरी तरह से लो फ्लेम में जला देना है, बिल्कुल लो फ्लेम में जलाना है, हाई फ्लेम नहीं करना है आपको। और देख सकते इस तरह से उसका इन जो जल के निकल जाएगा इंग्रेडिएंट, और हमारा ऑयल जो है वो इस तरह का कलर हो जाएगा। सारे बेनिफिट्स जो है इस ऑयल में आ चुके हैं आप, और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो जला हुआ है, देख रहे हैं नीचे की तरफ जला हुआ है, ऑयल जो है हमारा ऊपर था, इसलिए उसको मिक्स नहीं करना, इसी तरह आपको रखना है। अब हमारा ये ऑयल जो है रेडी हो चुका है, और फर्स्ट स्टेप में हमने जो डाला था ना कैस्टर ऑयल, अब इसी ऑयल को इसके अंदर मिक्स करना है आपको, कुछ इस तरीके से पूरा ऑयल डाल लेना है। और थोड़ा सा मेरा जो कम हो गया था ऑयल, आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, सेसमी ऑयल या फिर एलमंड ऑयल या फिर विटामिन ई ऑयल, जो ऑयल आपको अच्छा लगता है आप उसको ऐड कर लें। अब बारी आती है इसको लगाना कैसे। इसको लगाना है आपको हफ्ते में 2 या 3 बार लगाएं। हेयर वॉश करने से पहले रात को आप इस हेयर ऑयल को अच्छी तरह से अपनी रूट लेंथ पर मसाज करके इसको बांध के रख दें, फिर सुबह आप अपने हेयर वॉश करें, माइल्ड शैम्पू से आप धो सकते हैं। कंडीशनर भी आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके बाल जो है वो इतने स्मूथ और सिल्की हो जाएंगे। जैसे जैसे आप इसको यूज करते जाएंगे 1 महीने में आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छे तरीके से दिखेगा, लेकिन आपको इसको 3 महीने तक इसका जो है आपको यूज करना पड़ेगा अच्छे बालों के लिए, अच्छे बालों की ग्रोथ के लिए। तो 3 महीने तक आप इसको यूज करें, बालों का झड़ना भी आपका कम हो जाएगा, बालों की ग्रोथ आपको आ जाएगी। कोविड जिनको हुआ होता है उनके बहुत ज्यादा हेयरफॉल होते हैं, मेरे जैसे बहुत ज्यादा हेयरफॉल हो रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये हेयर ऑयल बनाया जाए और आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ कि किस तरह से ये काम करता है। बाल जो है मैंने देख सकते हैं, मैंने आज ही लगाया था और हेयर वॉश किया है, कंडीशनर बिल्कुल नहीं लगाया है, और देख सकते हैं आप किस तरह से ये दिख रहे। अगर मैं आपको धूप में जाके दिखाऊंगी तो फिर आपको पता चलेगा कि कलर जो है ना वो बहुत अच्छा लग रहा है। सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।